इट इज हैपनिंग कमबैक, और वो भी किसका, आमिर खान का। उनकी कमबैक पिक्चर इन दिनों काफी चर्चा में बनी है, जो है सितारे जमीन पर। इसी साल फिल्म को रिलीज करने की तैयारियां की जा रही हैं, और इस पिक्चर के साथ जिस दूसरे प्रोजेक्ट पर आमिर खान का पूरा ध्यान है वो है लाहौर 1947। लेकिन ये तो आमिर खान खुद भी जानते हैं कि ये दोनों ही फिल्में उनकी तकदीर और करियर की दशा और दिशा तय करेगी। हालांकि इन फिल्मों को लेकर इसलिए इतनी तैयारियां नहीं हो रही हैं क्योंकि लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई थी। दरअसल इन दिनों आमिर अपनी अपकमिंग फिल्मों को हिट कराने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी ऐसी जो पहले नहीं की गई हो। खैर, एक्टर इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन मामला सिर्फ एक पिक्चर फ्लॉप होने का नहीं है, इसे लगभग 6 साल हो चुके हैं। शुरुआत करते हैं साल 2017 से। आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार आई और ये पिक्चर 15 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन जब सिनेमा घरों में लगी तो भौकाल काट दिया, दुनिया भर से 858 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। ऐसे में अगले साल यानी कि 2018 में आमिर खान की एक और पिक्चर आई, दिन था 8 नवंबर, फिल्म का नाम ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस पिक्चर का बजट 220 करोड़ था, फिल्म में बड़े बड़े सितारे थे लेकिन कुछ काम नहीं आए, पिक्चर ने बस 322 करोड़ कमाए और फिल्म हो गई फ्लॉप। अब आता है साल 2022, जब आमिर खान के करियर की वो फिल्म आई जिसका हिट होना बहुत जरूरी था। 11th अगस्त 2022 को लाल सिंह चड्ढा थिएटर्स में लगी और इसमें आमिर खान के साथ करीना कपूर थी। पिक्चर की कहानी को लेकर पहले ही काफी बवाल हो रहा था, ऐसे में इसका नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा। पिक्चर कब लगी और कब उतर गई पता भी नहीं चल पाया। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा से उम्मीद तो बहुत थी पर पिक्चर फ्लॉप हो गई। फिर एक्टर ब्रेक पर चले गए, इंतजार होता रहा लेकिन उनकी कोई भी पिक्चर नहीं आई। लेकिन अब दो बड़ी फिल्मों का ऐलान किया जा चुका है, अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक सितारे जमीन पर, आमिर खान की ये पिक्चर लंबे वक्त से काफी चर्चा में बनी थी और इस पिक्चर का नाम साल 2007 में आई तारे जमीन पर से तो मिलता है, लेकिन कहानी बिल्कुल अलग है और कलाकार भी नए हैं। खुद आमिर खान ने इसका प्लॉट बताया था और ये पिक्चर उसी का पार्ट टू है। तो वहीं लाहौर 1947 इस पिक्चर को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिल्म में सनी देओल लीड रोल में होंगे और उनके साथ प्रीति जिंटा का भी इस फिल्म में कमबैक होने जा रहा है। वेल, अब आपको क्या लगता है आमिर खान का कमबैक कैसा होगा? क्या उन पर वो भारी पड़ेगा या फिर वो सारे जहां पे छा जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं। फॉर मोस्ट अपडेट्स डू फॉलो आवर पेज।